दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल एडवेंचर विद विनोद को। तो आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली होंडा डियो 125 एस स्मार्ट को। तो ये इनका लेटेस्ट स्कूटर होने वाला है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी होंडा डियो 125 जो कि वो भी लेटेस्ट है। तो अभी ये लेटेस्ट है और इसके अंदर कलर ऑप्शन ये है, मतलब कि कलर देख सकते हो आप लोग। तो ये वाला आपको थोड़ा सा हल्का सा मतलब कि ऐसे मतलब ग्रे और ऐसे वाइट ग्रे ऐसे मिक्स करके मतलब ब्लैक एंड वाइट कह सकते हो, ऐसा कुछ आपको एक कलर देखने के लिए मिलता है। बाकी इसमें आपको जो लुक्स वगैरह हैं वो आपको सेम टू सेम 125 डियो जो आ रही है उसकी तरह ही मिलने वाला है। सेम टू सेम सारा कुछ इसमें होने वाला है। लाइट्स वगैरह की बात करें तो सारा उसमें सेम ही है, बस इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है देखने के लिए और डियो जो दूसरा वाला है उसमें आपको डिस्क नहीं मिलेगा। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो डियो 125 वो डी मतलब स्टैंडर्ड वर्जन है और ये है उसका डीलक्स वर्जन। वही जो 125 और एक्टिवा 110 जो आपने पहले मेरी वीडियो देखी होंगी उनमें मैंने बताया था वो सिस्टम इसमें नया होने वाला है। बाकी कीज़ वगैरह जो हैं इसके अंदर और जो इसके अंदर और फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होने वाले हैं होंडा डियो 125 इंजन के पावर और जो इसका साइलेंसर वगैरह देख सकते हो आप लोग, सारा कुछ इसमें आपको दिख रहा है एक बार। तो ये सारा कुछ आपको इसमें सेम मिलने वाला है। ज़्यादा मैं इसमें आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डिटेल बताऊँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। जौन सा 125 डियो है उसके अंदर आपको किक मिल जाएगा और जौन सा एस स्मार्ट वाला डियो है इसके अंदर आपको किक नहीं मिलेगा, किक देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे माइनर मतलब छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें आपको डिस्क नहीं मिलेगा, इसमें डिस्क मिल जाएगा। उसमें आपको साइल मतलब कि रिमोट वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको रिमोट वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए। ऐसे इसमें अलग अलग फीचर दोनों में डिफरेंस है। बाकी लुक्स की बात करें तो लुक्स इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कलर ऑप्शन ये वाला शायद ये प्रीमियम में आएगा, जो डीलक्स वर्जन है उसी में आएगा। बाकी आपको उसमें रेड और ग्रीन मतलब कि दो कलर ऑप्शन है, रेड और ब्लैक ब्लू ऐसे करके दो तीन ऑप्शन है। बाकी इसमें भी सारा कुछ वही दे रखी है फिनिशिंग यहाँ पे, और यहाँ पे भी हेडलाइट का सारा कुछ डिज़ाइन सेम है। फ्रंट में भी बैक में भी अगर देखोगे सारे डिज़ाइन सेम है। और फ्यूल टैंक E20 ये सब कुछ आपको यहाँ सेम ही मिलने वाला है। साइलेंसर बिल्कुल सेम मिलने वाला है। टायर साइज़ वगैरह बिल्कुल सेम मिलने वाला है। इंजन आपको सेम मिलने वाला है। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो इसके अंदर रिमोट मिलने वाला है और यहाँ पे वो सारे उसके फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी वाला है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राइस इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ है। नॉर्मल वाले जो डियो है डियो स्कूटर है उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ है इसमें प्राइस, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्मार्ट फीचर मिल जाते हैं देखने के लिए, इस करके उसमें आपको प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। मुझे एक चीज़ इसमें जो फील हुई वो कहीं कहीं मतलब इसमें थोड़ा सा ना मतलब अगर ये मैट के साथ कॉम्बिनेशन दिया होता तो ये और ज़्यादा बेटर हो सकता था। ग्लॉसी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा शाइन हो रहा है और ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा डियो स्कूटर जो कि एच स्मार्ट के साथ आता है 125 सीसी के साथ। इसका प्राइस वगैरह मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखा दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट करना है, और कौन कौन इसको बाय करने वाले हैं 2023 के अंदर वो भी कमेंट करना, ताकि पता लगे कि किस किस ने वीडियो देख के बाय किया है। और बाकी अगर कोई भी जानकारी या कोई भी डिटेल इस स्कूटर से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए। बाकी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।